खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उसी के चलते मंगलवार की दोपहर को हमलावरों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमला होता देख स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद हमलावर भीड़ आते देख भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर कंपनी बाग स्थित मुख्य सड़क को जाम कर सड़क पर बैठ गए। घटना के संबंध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज दोपहर अचानक 20 से 25 की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया और स्थल पर लगे बैनर पोस्टर फाड़ दिए। वही पुलिस अधिकारी का कहना है कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य राम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनके साथ हमलावरों के द्वारा मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद जब वो आए तो वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उनके पोस्टर फटे हुए थे। गश्ती के क्रम में अपने थाना प्रभार महोदय से आदेश हुआ कि खुदीराम बोस स्थल पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं, उनके साथ मारपीट की सूचना मिली है, उसको जा कर के देखने को। तो मैं यहाँ पहुँचा तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ उनका पोस्टर बैनर ये सब फटा हुआ है। तो उनसे पूछे तो बताएं कि कुछ नौजवान लोग 15-20 की संख्या में यहाँ आए थे, शोर फोर किए। तो मैं उनको कहा कि आप एक लिखित आवेदन तैयार करके और जो भी वैसे लोग थे उपद्रवी मचाने वाले उनका नाम लिख करके दीजिए, आगे जिस थाना क्षेत्र में है उस थाना के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। रोड जाम भी लग कर फिलहाल जांच की जा रही है और जो भी इस घटना में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।